ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे? ये सजावट क्यों हो रही है? जोधा, आज हम बेहद खुश हैं। आखिर बात क्या है मीजा? आज बड़ा खास दिन है जोधा, और खासकर तुम्हारे लिए। हमारे लिए ये सारी तैयारियां हो रही है। ऐसी कौन सी बात है जो हमें स्मरण नहीं? ऐसा कौन सा विशेष दिवस है जो हमें याद ही नहीं आ रहा? खबर ऐसी है जोधा, जिसे सुनकर तुम झूम उठोगे। फातिमा बी का पोता कादर होश में आ गया है, और जलाल ने उसे वापस भेजने का और सलीम को लौटा लाने का फरमान दे दिया है। हमारा सलीम घर आ रहा है। जोधा मेरी बच्ची, ये तो खुशी का मौका है। बहुत प्रसन्नता की बात है रवि जान, इसलिए आंसू झरक गए। माँ ने हमारी सलीम काफी स्वस्थ हो गया, और सलीम घर आ रहा है। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। फिर भी वो हमसे मिलने नहीं आई, इसका मतलब वो हमसे मोहब्बत नहीं करती। रुको सलीम, यदि सलीम से अपराध हुआ है तो उसे अवश्य दंड दीजिएगा। बेटा सलीम, माँ अपने बच्चों के लिए जान पर खेल जाती है, लेकिन आपकी अम्मी जान, उन्होंने उस गद्दार राशिद खान को मुआफ करवा दिया जिसने आपके हमलावरों को घर में पनाह दे रखी थी। यदि क्षमा मांगनी है तो राशिद से मांगिए, क्योंकि ना आपने इन पर हाथ उठाया है, अभी तो उनके मान सम्मान पर भी ठेस पहुँचाएंगे। और आप तो जानते ही हैं सलीम, आपके अब्बा हुजूर मरियम उर जमानी की हर बात मानते हैं। बड़ी अम्मी जान, माता और अबूजान नहीं है आपके साथ? हो सकता है कि आपको वापस ले आने से ज्यादा जरूरी काम कर रही हो। हम तुम्हें बता नहीं सकते कि आज हम कितने प्रसन्न हैं। हमारे बच्चे, मैं आपके हाथ की रंगोली बहुत पसंद है। हम सारी रात इसके पास बैठे रहेंगे और इसकी रखवाली करेंगे ताकि कोई आके इसे बिगाड़ ना जाए। अच्छा, आपको इतनी पसंद है तो ठीक है, अब हर विशेष अवसर पर हम आपके लिए ऐसी रंगोली बनाया करेंगे, ठीक है? आप भी बनाइए, ये लीजिए फूल। यदि सलीम से अपराध हुआ है तो उसे अवश्य दंड दीजिएगा।
माँ अपने बच्चों के लिए जान पर खेल जाती है, लेकिन आपकी अम्मी जान, उन्होंने उस गद्दार राशिद खान को मुआफ करवा दिया जिसने आपके हमलावरों को घर में पना दे रखी थी। यदि क्षमा मांगनी है तो राशिद से मांगिए, क्योंकि ना आपने इन पर हाथ उठाया है अपितु उनके मान सम्मान पर भी ठेस पहुँचाई। आइए रिया शुरू कीजिए। बस अब सब लोग रियाज जारी रखें, अब हमारे साथ आए शेखू बाबा। शुरू करो। आपका वहां है हमसे, आखिर इतनी बेरुखी क्यों? क्योंकि आपने हमें सजा दी। आपको हमें सजा नहीं देनी चाहिए थी। शेखू बाबा आप अभी बच्चे हैं, शायद ना समझ पाए कि हमने ऐसा क्यों किया, लेकिन हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे आपको कि जो कुछ भी हमने किया आपकी भलाई के लिए किया। हम आपको कुछ सिखाना चाहते थे और आपने बहुत कुछ सीखा भी। शायद अब जब बड़े हो जाए तब आपको समझ में आए कि हमने ऐसा क्यों किया। हम आपके लिए कभी बुरा नहीं चाहेंगे, अच्छा ही चाहेंगे। अब गुस्सा थोक दीजिए और नहीं हमारे पास आए। नहीं, हम नहीं आएंगे। आपने इंसाफ नहीं किया। अगर हम शहंशाह होते तो कभी भी ऐसी सजा नहीं देते किसी को। तो फिर अगर आप शहंशाह होते तो कैसी सजा देते आप? वो तो हम तब बच जाएंगे जब शहंशाह बन जाएंगे। अब हम चलते हैं, रियाज का वक्त निकला जा रहा है। अगर हम शहंशाह होते तो कभी भी ऐसी सजा नहीं देते किसी को। शहंशाह, हम आपसे गुस्सा है। क्या खता हो गया हमसे? हुई है। अभी तो हमारा बच्चा घर लौटा है और आपने उसे युद्ध अभ्यास के लिए भेज दिया। हमने सोचा था कि रात्रि को उसने भोजन नहीं किया तो कम से कम सुबह हम उसके लिए भोजन बनाएंगे, अपने हाथ से तैयार करेंगे, पर नहीं। जो सभी को बार बार क्यों भूल जाते हैं कि शेखू बाबा आपके बेटे होने के साथ साथ कल के होने वाले शहंशाह, उनके लिए चंगी तालीम हासिल करना बहुत जरूरी है। वाह, ये तो खूब बात हुई। वो युद्ध अभ्यास करते रहे और माँ अपने बच्चे को लाड़ करने के लिए प्रतीक्षा करती रहे। ऐसे आपके लाड़ प्यार को इंतजार करने की जरूरत नहीं है जोधा बेगम, जब तक शेखू बाबा नहीं आ जाते आप हमें लाड़ प्यार कर लीजिए। जी नहीं, जिसके हिस्से का लाड़ है वो उसे ही मिलेगा। सही कहा आपने, यही देखना है कि किसके हिस्से में क्या आता है। शहंशाह, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? किसी बात को लेकर व्यथित है? शेखू बाबा हमसे खुश नहीं है चौथा बेग, दुखवा है हमसे। उन्हें लगता है कि हमने जानबूझकर उन्हें सजा दी, बल्कि हम तो उन्हें एक सीख देना चाहते थे। हमने भी नहीं सोचा था कि सलीम इस बात को इतनी गंभीरता से ले लेंगे। हमने सोचा था बालक है, कुछ समय तक रुष्ट रहेंगे और फिर। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।